हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथ, आज देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है शारीरिक और डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं, और एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले, क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला ये दिया गया है और बोला क्या गया है कि इसमें बिना शर्त के दिया गया है कि निम्न प्रसर की और शारीरिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, बराबर क्या लगाना है फ्रेंड्स, हमको बराबर 0 लेके आना है। तो हम लोग को क्या करना है, तो आप लोग को रूल पता होगा, इसमें अगर किसी में कॉलम को या किसी दो रो को अगर हम लोग बराबर कर दें उसका मान 0 हो जाता है। तो हम लोग जितनी भी कोशिश करेंगे हम लोग ये सोचेंगे या कॉलम को एक जैसा बना दिया जाए, किन्हीं दो कॉलम को एक जैसा बना दिया जाए, अगर ये भी इसके तरह से बन जाए कॉलम अगर 3 के तरह पे अगर हम लोग इसको भी कर दें तो हमारा इसको ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका वैल्यू हमारे पास जो रूल के हिसाब से जो हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ा है उसके हिसाब से 0 बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए इसमें लगाएंगे, देखेंगे सी वन में क्या कर देते हैं कि सी वन प्लस का सी टू को हम लोग ऐड कर देते हैं, और ऑपरेशन किसमें लगाएंगे फिर सी वन में लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा एक्स प्लस का ए, और ए जैसा जो कहते हूँ लिखेंगे इधर भी एक्स प्लस ए का जो कहते हूँ। अब देखिए वाई प्लस बी को हो जाएगा वाई प्लस बी, इधर आ जाएगा बी, इधर भी है मेरे पास वाई प्लस का बी, इधर हो जाएगा जेड प्लस सी, और मेरे पास फ्रेंड्स पहले का सी था, इधर हो जाएगा जेड प्लस सी। अब देखिए कैसे क्या होगा, देखिए किन्हीं दो का कॉलम को हम लोगों ने क्या बना दिया, एक जैसा बना दिया ना, इसका गुणधर्म के प्रयोग से लिखेंगे बराबर का 0। जो हमको प्रूफ करना था हमारा जो आंसर था, अब आप लोगों को पता होगा किन्हीं दो को अगर हम लोग एक जैसा बना दें, किसी किन्हीं दो कॉलम को एक जैसा बना दिया जाता है तो उसका वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इस प्रकार जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर पहला था तो बहुत ही आसान तरीके जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया मेरे पास, दिया गया a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, उसके बाद दिया गया b माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी, और इधर दिया गया फिर c माइनस का ए ए माइनस बी बी माइनस सी, बराबर क्या दिया गया है, बराबर 0 इसको करना है। तो इसको 0 दिया गया है फिर हमको बराबर 0 करना है। तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम किन्हीं 0 अगर पूरे का पूरा मान अगर किसी में एक का भी मान अगर किसी का 0 आया तब भी हमारे बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आप ऐसा लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऑपरेशन किस में लगाएंगे C1 में, जितने भी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स C1 में करेंगे। तो देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस c प्लस का c माइनस a, तो देखिए a माइनस b और b से b कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सब 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या a माइनस बी प्लस का b माइनस c प्लस का c माइनस a, और मेरे पास b माइनस सी जैसा है उसी प्रकार रखेंगे c माइनस का a। अब यहाँ पर है मेरे पास b माइनस c प्लस इसको ऐड करेंगे c माइनस a, उसी प्रकार से हम लोग इसको ऐड करेंगे हो जाएगा a माइनस का b। अब देखिए मेरे पास c माइनस a है ना बिल्कुल, और वैसे ही रखेंगे a माइनस b को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। अब इधर देखिए c माइनस a को ऐड करेंगे, c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस को ऐड करेंगे हम लोग b माइनस c को, और इधर क्या मेरे पास था a माइनस b, और हम लोग जैसा है b माइनस c को इसी प्रकार से रख लेते हैं, इसके बराबर 0 कर देते हैं। अगर देखिए तो अभी हम लोग सब कट पिट के इसका मान इसका मान इसका मान क्या पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा b माइनस c c माइनस a, और इधर भी आ जाएगा 0 c माइनस a a माइनस बी, और यहाँ भी 0 आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा b माइनस सी, बराबर क्या हमको 0 प्रूफ करना था। अगर फिर से देखा जाए तो गुणधर्म जो हमारे पास दिया गया था उसका वैल्यू ये पर वहाँ पर दिया गया था, गुणधर्म में नंबर 3 में अगर आप लोग देखेंगे उसमें दिया गया कि किन्हीं तीन कॉलम को अगर हम लोग 0 बना दें वो अपने आप क्या होगा, डेल्टा इसको डेल्टा माने थे वो अपने आप क्या हो जाएगा, डेल्टा के बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा प्रूफ करने वाला था 0 क्वेश्चन नंबर हमारा फ्रेंड्स 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया, दिया गया फ्रेंड्स 2, दिया गया है 2 7 65, इधर देगा 3 8 75, और इधर दिया गया 5 9 86, बराबर क्या प्रूव करना फ्रेंड्स, बराबर हमको 0 करना है। अब हम लोग को गुणधर्म के हिसाब से अगर देखे तो किन्हीं दो मान के बार बराबर कर दे, अगर हम इसमें 9 को गुणा कर दे 9 7 63 में 2 जोड़ दे 65 हो जाएगा, तो 2 2 बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे C2 में ऑपरेशन में करेंगे C2 में क्या करेंगे 9 C2 प्लस का C1, तो
तो हम लोग चेंजिंग करेंगे फ्रेंड्स सी टू में। तो आइए देखिए क्या होगा। तो जैसे टू है तो वैसे हम लोग लिखेंगे, जब नाइन का मल्टीप्लाई करेंगे नौ चीजें 63 2 65 आ जाएगा। इधर मेरे पास ऑलरेडी 65 था, अब 9 C2 इसमें करेंगे 9 8 72 72 3 75 यहाँ 3 आ जाएगा 75 आ जाएगा। इधर भी मेरे पास पहले का 75 था, 5 आ जाएगा 9 81 5 86 के बराबर। इधर भी फ्रेंड्स क्या दिया गया है, 86 दिया गया है बराबर का 0। इसको मैंने सॉरी यहाँ पर लेट मान के चलते, लेट डेल्टा बराबर मान लीजिए। तो डेल्टा अगर हम बताए थे कि इन्हीं दो का मान, इन्हीं दो कालम का मान अगर बराबर हो जाता है, उसका जो हमारा गुणधर्म के हिसाब से प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारा क्या होता है, 0 बन जाता है। इस प्रकार से अगर देखें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू सी टू और सी थ्री का वैल्यू, जो कालम हमारे पास दो सेम सेम आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं गुणधर्म के प्रयोग से, गुणधर्म के प्रयोग से, के प्रयोग से तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, डेल्टा हमने मान कर रखा है इसके बराबर, जो 0 प्रूफ करना था तो 0 प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हमारा जो आंसर था